Welcome students in the online lecture series for the subject digital electronics. The topic for today is weighted and non-weighted codes, or we can say digital codes. This is lecture number 6 of unit 1. So, dekhiye. In practice, the digital electronics requires handle data which may be numeric, alphabet and special character. तो हम यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कई तरीके का डेटा हैंडल करते हैं. न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल भी हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकता है. व्हाट डज दिस रिक्वायर? इट रिक्वायर्स द कन्वर्जन ऑफ इनकमिंग डेटा इनटू बाइनरी फॉर्मेट बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड. तो इसके वेरियस पॉसिबल वेज हैं और इसको बोला जाता है एनकोडिंग. और एनकोडिंग का ही रिवर्स काम करते हैं डिकोडर्स. तो हमारे पास में यहाँ पे वेटेड और नॉन वेटेड दो तरीके के कोड होते हैं. वेटेड कोड हमारे वो होते हैं जिसके साथ में एक स्पेसिफिक वेट अटैच्ड होता है. जैसे कि अगर हमें बाइनरी नंबर दे रखा है तो हर बिट के पास में 2^n जो है वो वेट है, जहां पे n वो बिट नंबर है. फॉर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अगर ये हमें n दे रखे हैं इनकी वैल्यूज, तो इनके वेट हमारे पास में क्या क्या हो जाएंगे? 2^0 इज 1, दैट इज वाई द वेट इज 1. 2^1 द वेट इज इक्वल टू 2. 2^2 द वेट इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन. इसका एग्जाम्पल है बीसीडी कोड. तो हमने जो 8421 कोड पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दैट वॉज अ बीसीडी कोड ओनली एंड दिस इज अ वेटेड कोड. नॉन वेटेड कोड्स हमारे पास में वो कोड होते हैं जिन जो विच आर नॉट असाइन विद एनी वेट, जिनको कोई भी वेट नहीं दिया जाता है किसी भी डिजिट पोजिशन पर. सो एक्सेस 3 जो कोड है हमारे पास में और ग्रे कोड जो है, दीज आर बीसीडी कोड्स. दीज आर non-weighted codes. So BCD is a weighted code and XS3 and Gray code is a non-weighted code. Now BCD, it is a weighted code. In weighted code, each successive digit from right to left represent weight equal to some specified value and it is equal to some binary digit. So 8421 जो है वो हमारा most common BCD representation है. ये हमने पहले भी देखा था. तो अगर decimal में हमें कोई number दे रखा है 5, 6, 7, 5, 8, 4, 2, 1 कोड में या बीसीडी कोड में कैसे लिखा जाएगा? 5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 + 1. सो जहां ये नंबर आ रहा है उसकी जगह हम लिख देंगे 1, बाकी जगह हम लिखेंगे 0. सो दिस इज हाउ 5 इज रिप्रेजेंटेड. 6, 4 + 2 इज इक्वल टू 6. तो 4 + 2 जहां जहां ये नंबर मिल रहा है वहां आप लिख देंगे 1, बाकी जगह 0. सो इस तरीके से बीसीडी कोड लिखा जा सकता है. नेक्स्ट इज XS3 कोड. The XS3 code is called as XS3 because it is a non-weighted BCD code. इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो पहले जो भी हमें नंबर दे रखा है हमें उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है 8421 में, प्लस उसके अंदर 3 ऐड कर देना है, तो वो हमें XS3 कोड दे देगा. और इसी को ही सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड भी कहा जाता है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोड्स आर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड. तो क्या होता है इसका मतलब? कि जब हम एक कोई बिट को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एट ट्रांसमिटिंग एंड वी आर सेंडिंग सम बिट 0 फॉर एग्जांपल, लेकिन रिसीविंग एंड पे वो बिट एज रिसीव हुआ है 1. सो क्या हुआ? हमने भेजा था 0 लेकिन हमें मिला है 1. सो वी कैन से देयर इज एन एरर व्हाइल ट्रांसमिटिंग द बिट. अब इस एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए कुछ कोड लगाए जाते हैं जिनको बोला जाता है एरर डिटेक्शन या करेक्शन कोड. सो वी नो दैट बिट्स 0 एंड 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 डिफरेंट रेंज ऑफ एनालॉग वोल्टेजेस. तो ये 2 डिफरेंट वोल्टेजेस को शो करते हैं. सो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डेटा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब हम बाइनरी डेटा को भेजते हैं तो नॉइस एड हो जाती है. इस नॉइस या अनवांटेड सिग्नल की वजह से हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ एरर आ सकता है. दैट मींस अ बिट 0 मे बी चेंज टू 1 और अ बिट 1 मे बी चेंज टू 0. तो हम इंटरफेरेंस ऑफ नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब हम एकदम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं. हाँ, कुछ अमाउंट से इसको रिड्यूस जरूर किया जा सकता है, लेकिन वापस से हमें ओरिजिनल डेटा रिकवर करने के लिए जरूरी है कि पहले हम उस एरर को डिटेक्ट करें फिर उसको करेक्ट करें. तो ये किया जाता है यूजिंग एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन कोड. सो एरर डिटेक्शन कोड आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर एस विच इज प्रेजेंट इन द रिसीव्ड डेटा बिट स्ट्रीम.
इनके पास में कुछ ना कुछ बिट होता है सम एस विच आर इंक्लूडेड टू द ओरिजिनल बिट स्ट्रीम. दीज कोड्स कंटेन सम बिट एस विच आर इंक्लूडेड टू द ओरिजिनल स्ट्रीम. ये कोड जो है एरर को डिटेक्ट करते हैं और अगर एरर होता है तो ये वहां बताते हैं कि देयर इज सम एरर इन द कोड. इसका एग्जांपल है पैरिटी कोड एंड हैमिंग कोड. एरर करेक्शन कोड दे आर यूज टू करेक्ट द एरर एस प्रेजेंट इन द रिसीव्ड डेटा बिट स्ट्रीम सो दैट वी कैन गेट द ओरिजिनल डेटा. ये भी उसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं एरर डिटेक्शन का. इसका एग्जांपल है हैमिंग कोड. तो अगर हमें एरर को करेक्ट और डिटेक्ट करना है तो उस टाइम पे हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड का यूज करते हैं. नाउ पैरिटी कोड इज वन ऑफ द कोड विच इज यूज टू डिटेक्ट द एरर. सो हाउ इट इज यूज. इट इज ईजी टू इंक्लूड वन पैरिटी बिट ईदर टू द लेफ्ट ऑफ MSB और टू द राइट ऑफ LSB ऑफ ओरिजिनल स्ट्रीम. तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरीके के मेथड हैं कि हम या तो MSB के लेफ्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लेफ्ट में एक पैरिटी बिट ऐड कर दें या हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के राइट में एक पैरिटी बिट ऐड कर सकते हैं. तो दो तरीके के पैरिटी कोड्स होते हैं हमारे, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी. इवन पैरिटी कोड द वैल्यू ऑफ इवन पैरिटी बिट शुड बी जीरो. जीरो ये होना चाहिए कब. द वैल्यू ऑफ इवन पैरिटी बिट शुड बी जीरो ये होता है जीरो अगर हमारे पास में इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है बाइनरी कोड में. अदरवाइज इसकी वैल्यू होती है वन. सो दैट इवन नंबर ऑफ प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन इवन पैरिटी कोड. तो अगर हमारे पास में किसी भी कोड के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है तो उस केस में हमारी इवन पैरिटी बिट जो है वो जीरो हो जाएगी. अदरवाइज केस में हमारी इवन पैरिटी बिट की वैल्यू होगी वन. ओके नाउ ये हमारे पास में एक टेबल है जो ये शो कर रही है थ्री बिट बाइनरी कोड और इसका इवन पैरिटी कोड. तो देखिए बाइनरी कोड अगर 000 है तो इसके अंदर हमारे पास में जो नंबर ऑफ वंस है वो कितने हैं, जीरो. सो इट इज कंसिडर्ड इन ए इवन नंबर, दैट इज वाई दिस इवन पैरिटी बिट इज जीरो. तो जैसे ही आप इवन पैरिटी कोड अब इसका निकालेंगे तो इन चारों बिट को आप यूज कर सकते हैं. सो आपने क्या किया, इस पैरिटी बिट को यू आर अप्लाइंग एट द लास्ट पोजिशन. तो जो हमें कोड मिल रहा है वो मिल रहा है 0000. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 001. तो इस केस में हमारे पास में जो वन है, नंबर ऑफ वन है, ये कितने हैं, वन ही है. तो इट इज ऑड नंबर, दैट इज वाई दिस पैरिटी बिट इज वन हेयर. सो अगेन इसका इवन पैरिटी कोड कैसे मिलेगा, हम लास्ट में इसको ऐड कर देंगे. सो 0011. इसी तरीके से हम आगे की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, 101 में हमारे पास में जो नंबर ऑफ वंस हैं वो कितने हैं, दो. इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर. इवन नंबर होते ही इवन पैरिटी कोड की वैल्यू हो जाएगी जीरो और आप इस जीरो को यहाँ पे ऐड कर सकते हो लास्ट में, तो आपको इवन पैरिटी कोड मिल जाएगा. सो द नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन द इवन पैरिटी कोड इज 4. सो पॉसिबल जो इवन नंबर्स हैं वो हो सकते हैं 0 to 4. नाउ ऑड पैरिटी कोड में क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ऑड पैरिटी बिट शुड बी 0. ये वैल्यू 0 होगी अगर ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है हमारे बाइनरी कोड के अंदर. अदरवाइज केस में हमारे पास में ऑड पैरिटी बिट की वैल्यू हो जाएगी 1. सो सपोज दिस इज द टेबल. सो हेयर वी आर यूजिंग बाइनरी कोड 000. अगर हमारे पास में द नंबर ऑफ वंस आर इवन तो उस केस में ऑड पैरिटी बिट हो जाएगी 1. अगर हमारे पास में नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है, जैसे कि इस केस में 001 में हमें एक ही नंबर ऑफ वन मिल रहा है, तो इस केस में हमारा ऑड पैरिटी बिट हो जाएगा 0 और ये लास्ट में ऐड हो जाता है. इसी तरीके से अगर हमारा नंबर है 101 तो इस केस में हमारे पास में दो नंबर ऑफ वंस है, दिस इज इवन नंबर. सो इन दिस केस द पैरिटी बिट विल बी इक्वल टू 1 एंड वी आर एडिंग दिस बिट इन लास्ट. सो दिस इज हाउ दिस पैरिटी बिट वर्क. सो द नंबर ऑफ बिट्स प्रेजेंट इन द पैरिटी कोड इज 4 और पॉसिबल जो नंबर ऑफ वंस है वो 1 और 3 हो सकते हैं हमारे पास में. ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट एरर डिटेक्टिंग कोड. अब हमें देखना है एरर करेक्टिंग कोड. तो एरर करेक्टिंग कोड होता है हमारा हैमिंग कोड. हैमिंग कोड इट इज यूजफुल फॉर करेक्टिंग द एरर. सो
इट इज यूजफुल फॉर बोथ डिटेक्शन ऑल्सो एंड करेक्शन ऑल्सो, दोनों ही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं. दिस यूज इज मल्टीपल पैरिटी बिट्स, एंड इन पैरिटी बिट्स को हमें प्लेस करना होता है इन पावर्स ऑफ टू की पोजिशन पे. तो इसके लिए एक रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं. द मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट इज नथिंग बट द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरिटी बिट्स. तो हमें कितने पैरिटी बिट्स यहाँ पे रिक्वायर होंगे वो हम इससे निकाल सकते हैं. 2 raised to power k must be greater than or equal to n plus k plus 1, जहाँ पे n हमारा है number of bits in binary code, k हमारा parity bits है. तो number of bits हमें कितने require होंगे Hamming code में, that is equal to n plus k. So this is how the Hamming code works on this formula. So this is all about error detecting and correcting code. This is very important in digital electronics. So this is all about today's lecture.